हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स फिर से एक बार आपसे लेके आ गया हूँ बहुत ज़्यादा कमाल और ज़बरदस्त वीडियो। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं वीडियो नहीं डाल रहा था कुछ दिनों से फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा बोर्ड्स का एग्जाम आने वाला है फ्रेंड्स, तो उसके लिए जो है पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसी तरह का जो है वीडियो अभी आता रहेगा। यहाँ पे जो है बीच बीच में मैं गैपिंग कर सकता हूँ फ्रेंड्स, तो उस पर जो है आप लोग चिंता मत करना। फिर जो है मार्च के बाद से जो है फिर मैं यहाँ पे जो हूँ रेगुलर होने वाला हूँ। सो अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है वीवो का नया अपडेट आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पे जो है आपको क्या कुछ देखने को मिलता है इस अपडेट में। आगे इस वीडियो में बताऊंगा और अपडेट कैसे करना है वो भी आपको दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा क्या कुछ करना है आप सभी को। सो इस वीडियो पे बने रहना। और हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले जो है मैंने वीवो के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, जिसमें कि आप सभी जो है सभी वीडियो में अपना जमकर प्यार दिखाया फ्रेंड्स। तो इसी तरह का प्यार जो है इस वीडियो पर भी दिखाना। और इसी बात पर अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको जो है ये अपडेट कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए यहाँ पे जो है सेटिंग्स वाले ऑप्शन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सिंपली से आपको स्लाइड डाउन करना है। स्लाइड डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन सिस्टम अपडेट के नाम का। तो इस वाले ऑप्शन पे दिखा रहा है फ्रेंड्स वन लिखा हुआ है, जिसका मतलब कि यहाँ पे जो है अपडेट आ चुका है फ्रेंड्स। तो आपको सिंपली से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है अपने आप ही जो है अपग्रेड लॉग जो है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे दिखाएगा कि हाँ भैया यहाँ पे जो है आपके फ़ोन का जो है नया अपडेट आ चुका है। नहीं आया होगा तो यहाँ पे जो है आपको करंट वर्जन शो कर देगा। और यहाँ पे दिखाएगा दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन, पर यहाँ पे जो है मेरा अपग्रेड लॉग जो है खुल के आ गया है। तो इसको जो है आप लोग सिंपली से डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल करना है। तो कैसे करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक करना है, डाउनलोड इंस्टॉल वाले पे। और यहाँ पे जो है वेटिंग टू बी डाउनलोडेड लिखा है, तो यहाँ पे कंटिन्यू आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये अपडेट जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा रहा है डाउनलोडिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो है आप लोग जो है डाउनलोडिंग करने का मतलब जब ये डाउनलोड होता है तब तक जो है वेट कर लो। तब तक जो है यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में भगाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने अपने फ़ोन को फुल्ली अपग्रेड कर लिया है नए वर्जन में। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी अपडेट आया हुआ था उसको मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, और मिला जुला कर इन सारे प्रोसेस में मुझे फ्रेंड्स 15 मिनट्स लगे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप अपग्रेड कर रहे हो यानी अपडेट कर रहे हो अपने फ़ोन को, तो यहाँ पे आपके फ़ोन का मिनिमम बैटरी परसेंटेज होना चाहिए 30, अगर उससे नीचे होता है 10 या 15 तो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे शो करेगा कि भैया आपका जो है चार्ज कम है, आप जो हो पहले चार्ज करो इसके बाद जो है फिर अपडेट करने का ट्राई करना। तो मिला जुला कर मैंने जो है यहाँ पर अपडेट कर लिया फ्रेंड्स। और अपडेट करने के बाद जो है यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पहले से जो है बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा जो है स्मूथ चल रहा है फ्रेंड्स। पहले जिनका भी हैंग करने का प्रॉब्लम हो रहा था उनका जो है अपडेट करने के बाद जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कितना जो है ये फिक्स हुआ है प्रॉब्लम अपडेट के बाद से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिए मेरा अपडेट हो चुका है और स्मूथली काम कर रहा है। और अभी मैं आपको सेटिंग्स में ले जाता हूँ और सिस्टम अपडेट में ले जाकर बताता हूँ कि आखिर जो है क्या क्या सिस्टम में हमें अपडेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो मैं करंट वर्जन में क्लिक करता हूँ, अपडेट लॉग यहाँ पे खुल के आ चुका है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो है इस बार जो है कुछ ज़्यादा अपडेट देखने को नहीं मिला था, और कुल मिलाकर जो है टोटल अपडेट था 395 MB का फ्रेंड्स, ज़्यादा अपडेट नहीं था। सो यहाँ पे जो है ये टोटली जो है बैटरी को इन्हेंस करने के लिए, बैटरी जो है ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो, यहाँ पे जो है स्मूथनेस में आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए जो है यहाँ पे अपडेट आया था। और यहाँ पे देख सकते हो आप सभी क्या लिखा हुआ है, सिस्टम में जो है अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैचेस लेबल टू इम्प्रूव सिक्योरिटी। यहाँ पे जो मोर में यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। अबाउट सिस्टम अपग्रेड, तो यहाँ पे अबाउट दिया हुआ है और ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पे अपडेट देखने को मिलता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये सिर्फ स्मूथनेस, यहाँ पे जो है हैंग हो रहा था, इन सभी को लेकर जो है उन्होंने अपडेट पुश किया था, और यहाँ पे ये अपडेट जो है उनका सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे हद तक, बहुत हद तक हमारा फ़ोन जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है पहले के मुताबिक। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कूल अपडेट नहीं है, मगर ठीक ठाक अपडेट मिल जाता है, जिससे कि हमारा जो फ़ोन हैंग हो रहा था अब जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको जो है अपडेट पसंद आया होगा। अपडेट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन से आप सभी अप टू डेट हो जाओगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।